एजुसिकर में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जो इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज है और उनके थिंकर्स हैं उनको लेकर जो यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसको कवर करने वाले हैं आज तो टेन ईयर के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे पहला हमारा क्वेश्चन है आपने लिस्ट को मैच करना है एक साइड आइडियाज़ दे रखे हैं थिंकर के और दूसरी साइड थिंकर के नाम दे रखे हैं तो ऑप्शन ए बी सी और डी में से कौन सा राइट ऑप्शन है आपने वो चूज़ करना है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन सी कैसे इसका करेक्ट आंसर है क्रिटिकल कम्युनिटी स्टडीज़ का आइडिया कैनथ बूथ ने दिया था और सिक्योरिटी कम्युनिटी का आइडिया कार्ल ड्यूश ने सिक्योरिटी रिजीम्स का आइडिया रॉबर्ट चर्विस ने एंड सिक्योरिटी कम्प्लेक्स का आइडिया बैरी बूसो ने दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड वॉर की टर्म को सबसे पहले किसने यूज़ किया यानी किसने कॉइन किया ऑप्शन ए बर्नार्ड बारूच, ऑप्शन बी मॉरगैंथो ऑप्शन सी सी के वेबस्टर ऑप्शन डी कार्ल डुइश इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए बर्नार्ड बारूच। बर्नार्ड बारूच ने इसको सबसे पहले यूज़ किया कोल्ड वॉर की टर्म को 16 अप्रैल 1947 में अपनी स्पीच में वो कहते हैं कि हमें अब धोखे में नहीं रहना चाहिए आज क्योंकि आज जो यू और यू में चल रहा है वो एक कोल्ड वार चल रहा है तो कोल्ड वार की टर्म को यूज तो सबसे पहले यानी कॉइन किया था बर्नार्ड बारूश ने लेकिन इसको पॉपुलराइज किया था वाल्टर लिपमैन ने नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे ऑथर दिए होंगे आपने बताना है कि कौन सा ऑथर रियलिस्ट स्कूल से नहीं है यानी रियलिज्म थ्योरी से नहीं है ऑप्शन ए मैक्स वेबर ऑप्शन बी ई एच कार ऑप्शन सी मोरगेंथो एंड ऑप्शन डी एल्डक्स हेक्सले इसका राइट right आंसर है एल्डस हक्सले एल्डस हक्सले एक ऑथर है स्क्रीन राइटर है और बहुत बड़े नावलिस्ट है इन्होंने अपना जो बेस्ट नॉन नावल लिखा था वो 1932 में लिखा था जिसका नाम है ब्रेव न्यू वर्ल्ड जिसमें आने वाले वो फ्यूचर की संभावनाएं बताते हैं कि हमारा वर्ल्ड कैसे होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कुछ थिंकर और उनकी थ्योरीज के नाम दिए गए हैं लिस्ट वन में थ्योरीज और लिस्ट टू में थिंकर्स के नाम दिए गए हैं तो आपने मैच करके बताना है कि ऑप्शन ए बी सी और डी में से कौन सा राइट right ऑप्शन है इसका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कैसे इक्विलिब्रियम थ्योरी का आइडिया दिया था जॉर्ज लिस्का ने रियलिस्टिक थ्योरी मोर्गेंथो ने आइडिया दिया गेम थ्योरी के थिंकर है थॉमस सी शैलिंग और कम्युनिकेशन थ्योरी के थिंकर कार्ल डब्ल्यू डुश नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से दो लिस्ट दी गई है आपने इसको मैच करना है एक साइड थ्योरी दी गई है और वो थ्योरी किस चीज की बात करती है ठीक है कौन से आइडिया की बात करती है वो लिस्ट टू में दिए गए हैं तो आपने ऑप्शन ए बी सी और डी में से राइट ऑप्शन चूज करना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन बी किस तरह से राइट आंसर है मार्क्सियन थ्योरी क्लास स्ट्रगल की बात करती है जैसे कि आपको पता है रियलिस्ट थ्योरी पावर की बात करती है कि इंटरनेशनल रिलेशन में देयर इज अ स्ट्रगल फॉर पावर उमोरगेंथो भी कहते हैं और ये आइडिया आपको पता होना चाहिए डिसीजन मेकिंग थ्योरी एन्वायरमेंट की बात करती है यहाँ पर एनवायरमेंट का मतलब है कि कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं कुछ हालात ऐसे होते हैं परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसको देख कर इंटरनेशनल रिलेशन के जो एक्टर्स हैं जो डिसीज़न मेकिंग लेते हैं जो डिसीजन लेते हैं उनको एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करती है उनको हालात इन्फ्लुएंस करते हैं उनके डिसीजंस को सो so, नेक्स्ट है गेम थ्योरी गेम थ्योरी पेज ऑफ़ की बात करती है पेज ऑफ का मतलब ये है कि कुछ इंटरनेशनल एशन में जो नेशन हैं और उन नेशन को चलाने वाले जो फॉरेन पॉलिसी मेकर है वो कुछ स्ट्रेटजिकली डिसीज़न लेते हैं कई तरह की स्ट्रैटी को यूज़ करते हैं उन स्ट्रैटी में से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी काम कर जाती है उसे पे ऑफ कहा जाता है सो गेम थ्योरी के साथ ही एसोसिएट है पे ऑफ का आइडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है हंस जे मोरगेंथो ने रियलिज्म के कुछ बेसिक प्रिंसिपल दिए हैं जैसे कि उन्होंने छह प्रिंसिपल दिए हैं आपने बताना है कि नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सा प्रिंसिपल उन्होंने नहीं दिया ऑप्शन ए पॉलिटिक्स इज रूटेड इन ह्यूमन नेचर ऑप्शन बी पॉलिटिक्स इज ऑटोनमस ऑप्शन सी नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर ऑप्शन डी पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी पॉलिटिक्स इज़ गवर्न बाय यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ इसका मतलब ये प्रिंसिपल रियलिज्म का हंस जे मोरगेंथो ने नहीं दिया क्यों क्योंकि हंस जे मोरगेंथो एक रियलिस्ट थिंकर थे और वो मानते थे कि सारे नेशन सोवरन पावर्स है वो अपनी मर्जी से काम करेंगे तो मोरालिटी कोई नैतिकता का ऐसा आइडिया नहीं है एक कंट्री जो फॉलो कर रही है दूसरी कंट्री भी वही फॉलो करेगी अगर एक कंट्री कहती है कि मैं हिंसा में बिलीव नहीं करती मैं वार में नहीं इन्वॉल्व होना चाहती तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेम नैतिकता का आइडिया दूसरी कंट्री भी फॉलो करे दूसरी कंट्री कहेगी नहीं मैं तो वार में इन्वॉल्व होंगी मुझे वार में इन्वॉल्व होकर युद्ध करने में ज़्यादा बेनिफिट है तो इसी तरह से वो समझाते हैं कि नेशन अपनी मोरालिटी अपनी नैतिकता को अपने आप डिफाइन करते हैं अपने इंटरेस्ट को सूट करने के लिए जिसमें उन्हें ज़्यादा फ़ायदा दिखता है वो उसी मोरालिटी को फॉलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दो लिस्ट दी गई हैं एक लिस्ट में थिंकर के नाम दिए गए हैं और सेकंड लिस्ट में आपको उनके आइडियाज़ के नाम दिए गए हैं जहाँ कह लो उनकी बुक्स के नाम दिए गए हैं जो उनकी पॉपुलर बुक्स हैं तो इसकी ऑप्शन ए बी सी और डी को मैच करके आपने बताना है कौन सा राइट right ऑप्शन है इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन ए किस तरह से नाम चमस्की ने फेल स्टेट पर बुक लिखी जो 2006 में पब्लिश होती है फेल स्टेट ये किसको कहते हैं यूएसए को अमेरिका को फेल स्टेट कहते हैं कि ये फेल स्टेट बनती जा रही है और ये लोगों के लिए और दूसरे नेशंस के लिए भी ख़तरनाक होगा तो इन्होंने अमेरिका पर यह स्टडी की थी कैनन्थ बोल्डिंग ने कन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस की पर बुक लिखी है नाइनटीन में पब्लिश होती है हेटली बुल ने नार्कियल सोसाइटी पर बुक लिखी है 1977 में पब्लिश होती है नार्कियल सोसाइटी का बेसिकली मतलब ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं हो सकती कोई भी ऐसी हायर अथॉरिटी नहीं है जो कोई इंटरनेशनल लॉ को एनफोर्स कर सके तो वहाँ पर कोई भी लॉ जो है एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा वहाँ पर एक तरह से अनारकी की अराजकता की सिचुएशन है और रॉबर्ट डी कैपलन ने मानसून द इंडियन ऑशियन एंड द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पावर बुक लिखी है 2010 में रॉबर्ट डी कैपलन फॉरेन पॉलिसी पर बहुत सारी बुक्स लिख चुके हैं और ये बेस्ट सेलर ऑथर भी रह चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने मोटन कैपलिन के जो सिस्टम एनालिसिस की थ्योरी है उसमें कुछ मॉडल दिए हैं सिक्स मॉडल दिए हैं फोर यहाँ पर दिए हैं और आपने इनको ऑर्डर्स में लगाना है और बताना है ऑप्शन ए बी सी और डी में से कौन सा राइट right ऑप्शन है इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी यानी ये सीधे ही दिए थे ये डिसऑर्डर में नहीं थे तो मॉडर्न कैप्लन सिस्टम अप्रोच को एडवोकेट करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए हम सिस्टम अप्रोच यूज़ कर सकते हैं तो इसीलिए वो इंटरनेशनल सिस्टम को समझने के लिए सिक्स मॉडल्स देते हैं कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिस्टम जो है इंटरनेशनल रिलेशन पर काम करता है जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम लूज़ बाईपोलर सिस्टम टाइट बाईपोलर सिस्टम यूनिवर्सल सिस्टम हरार्किकल सिस्टम यूनिट यूनिटविटो सिस्टम ये सिक्स मॉडल दिए हैं और सिक्स मॉडल को आपने ऑर्डर में ही याद रखना है इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि क्रूशियल सिचुएशन में जो स्टेट का अल्टीमेट कंसर्न होता है मतलब स्टेट जो चाहती है वो पावर नहीं चाहती है वो सिक्योरिटी चाहती है यानी क्रिशियल सिचुएशन मतलब वो सिचुएशन जब वार होने की संभावना बढ़ रही होती है वो सिचुएशन में कोई भी स्टेट जो है पावर नहीं वो सिक्योरिटी चाहेगी थॉमस शेलिंग, कैनथ वॉल्स बैरी बूजोन या फिर जॉन मरशाइमर में से ये किसने कहा है इसका राइट right आंसर है कैन वॉल्स ने ये आइडिया दिया है कैन वॉल्स ने ये आइडिया दिया है ये समझाने के लिए कि स्टेट के लिए क्यों सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पावर बहुत रिस्की है अगर पावर ज़्यादा भी किसी स्टेट के पास हो तब भी रिस्की है और अगर कम भी हो तब भी रिस्की है तो क्रिश्चियन टाइम पर वो पावर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के बारे में नहीं सोचते वो अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने ये बताना है किसी रियलिस्ट थिंकर ने पॉलिटिक्स की तीन इमेज़ को डिफ़ाइन किया है या पॉलिटिक्स के तीन इमेजेस के बारे में बात की है वो कौन रियलिस्ट थिंकर है मोरगैंथो कैनथवाल्स थोसी या फिर ई एच कार में से कौन सा थिंकर है इसका राइट right ऑप्शन है वॉल्स ने थ्री इमेज ऑफ पॉलिटिक्स की बात की है कैसे कैनथवाल्ट की बुक है मैन स्टेट एंड वार मैन स्टेट एंड वार ही अपने आप में तीन इमेज हैं पॉलिटिक्स की जो वो डिस्कस करते हैं अपनी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कुछ पेयर्स दिए हैं यानी कुछ बुक्स दी हैं और उस बुक्स के नाम ऑथर के नाम दिए गए हैं और आपने बताना है कि कौन से पेयर करेक्टली मैच करते हैं और कौन सा नहीं करता है ऑप्शन ए बी सी और डी में से बताना है कौन सा राइट ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑप्शन ए कैसे इसका राइट ऑप्शन है विनिंग विदाउट वार जो बुक लिखी गई थी वो एमताई एजियोनी ने लिखी थी 1964 में नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोलस ऑनफ की एक बुक है वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग सो so, उन्होंने एक टर्म को कॉइन किया था वो आपने बताना है कौन सी टर्म को उन्होंने कॉइन किया था इंटरनेशनल रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए रियलिज्म न्यू रियलिज़्म न्यू लिब्रलिज़्म या फिर कंस्ट्रक्टिविज़्म इसका राइट right आंसर है डी कंस्ट्रक्टिविज़्म उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म की वर्ड को कॉइन किया था इंटरनेशनल रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए और उनकी बुक का नाम मत बोलना वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग नाइनटीन में पब्लिश होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है दो लिस्ट दी गई हैं और आपने एक लिस्ट पर थिंकर के नाम दिए गए हैं और लिस्ट टू में जिस थ्योरी के साथ वो एसोसिएट करते हैं संबंध रखते हैं उसके नाम दिए गए हैं तो ऑप्शन ए पी सी और डी में से बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑप्शन सी किस तरह से राइट आंसर है इमैनुअल वेलस्टेन ने डिपेंडेंसी थ्योरी का आइडिया दिया है वॉन न्यूमैन गेम थ्योरी के थिंकर है मोरगैंथो रियलिज्म के एंड फ्रांसिस फुकूयामा ने आइडिया दिया है एंड ऑफ हिस्ट्री का अपनी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ टैरर एक टर्म है ये किसके लिए यूज की जाती है ग्लोबल टेररिज्म काउंटर टेररिस्ट स्ट्रेटजीज के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑफ ड्रग ट्रैफिकर्स या फिर ओवरकिल कैपैसिटी एमिनेटिंग फ्राम न्यूक्लियर वेपन्स इसका राइट right आंसर है ओवरकिल कैपेसिटी एमिनेटिंग फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है बैलेंस ऑफ टैरर में ये माना जाता है कि कुछ स्टेट जिनके पास न्यूक्लियर पावर है कैपेसिटी है न्यूक्लियर बम को बनाने की न्यूक्लियर वेपन को क्रिएट करने की तो इसमें एक बैलेंस ऑफ टैर की सिचुएशन आ जाती है जब दो न्यूक्लियर पावर इसलिए एक दूसरे पर अटैक नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि दोनों ही एक दूसरे पर अगर, अगर अटैक करेंगे तो दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे दोनों ही ऐसी पोजीशन पर है जिसे म्यूचुअली अश्योरड डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं मैट कहते हैं तो इसकी वजह से एक बैलेंस ऑफ टेरर क्रिएट हो जाता है और बैलेंस ऑफ टेरर की वजह से कोई भी एक दूसरे पर अटैक नहीं करता है सो so ये बैलेंस ऑफ टेरर एक बैलेंस ऑफ पावर से निकला हुआ ही आइडिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने इसमें ये बताना है कि किसने ये कहा है कि स्टेट को अपने सर्वाइवल के लिए यानी कंट्रीज तभी सर्वाइव कर सकती हैं अगर वो अपनी मटेरियल कैपेबिलिटीज को इनक्रीज़ करे और दूसरी स्टेट के साथ अलायंस करे किसने ये कहा था ऑप्शन ए जॉन मरशाइमर ऑप्शन बी कैनथवाल्स ऑप्शन सी थूसीडाइट्स एंड ऑप्शन डी जे सिंडर इसका राइट आंसर है जॉन मरशाइमर जॉन मरशाइमर ऑफेंसिव रियलिस्ट थ्योरी से बिलोंग करते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर स्टेट सर्वाइव करना चाहती है तो उसके लिए अपनी मटेरियल कैपेबिलिटी को इनक्रीज़ करना होगा दूसरी स्टेट के साथ अच्छे अलायसेज को बिल्ड करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से पेयर्स दिए होंगे नीचे आपने बताना है कौन सा मिसमैच करता है ऑप्शन ए रैचेट ऑफ द अर्थ फ्रांस फानो ने लिखी है ऑप्शन बी वर्ल्ड ऑर्डर हैनरी के सिंगर ऑप्शन सी एम्प्लॉजन ऑफ कैपिटलिज्म समीर अमीर और ऑप्शन डी नियो कलोनीलिज़म द लास्ट स्टेज ऑफ एमपीरियलिज़म जूलियस नैरर ने लिखी है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ये जो नियो कलोनीलिज़म द लास्ट स्टेज ऑफ एमपीरियलम है ये जूलियस नैर ने नहीं लिखी है इसको लिखा है जो तब के गाना के प्रजिडेंट थे क्वामे नुकरमा उन्होंने लिखा है तो नियो कलोनीलिज्म लास्ट स्टेज ऑफ एम्पीरियलिज्म बुक जो है बेसिकली लेनिन से ही बुक के आइडिया को आगे प्रोपोगेट किया गया है लेनिन ने लिखा था कि एम्पीरियलिज्म इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म तो वो ये कह रहे हैं कि एम्पीरियलिज्म की भी एक आगे स्टेज होगी विच इज़ नियो कलोनियलिज्म सो नियो कलोनियलिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ एम्पीरियलिज्म इस बुक में वो ये बताते हैं कि जो नियो कलोनियलिज्म है अगर आज लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं वो कलोनियलिज़म से आजाद भी हो गई हैं लेकिन इसके बावजूद नियो कलोनीलिज़म की वजह से जो भी उनको वेल्थ दी जा रही है एड दी जा रही है हेल्प दी जा रही है वर्ल्ड बैंक के थ्रू आईएमएफ के थ्रू वो एक तरह से उन्हें एक्सप्लोइट ही करने का एक नया तरीका है तो ये कोई उनकी डेवलपमेंट नहीं की जा रही रैदर उनका शोषण किया जा रहा है इस बुक में वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने ये बताना है हंस जेव मोरगेंथो की एक पॉपुलर बुक है उसका फुल टाइटल क्या है A politics among nations, B politics within nation, C politics among nation, struggle for power and peace. ऑप्शन डी पॉलिटिक्स अमंग नेशन स्ट्रगल फॉर पीस एंड पावर यानी सी और डी में एक बेसिक डिफरेंस है आपने राइट right आंसर बताना है और इसका राइट right आंसर है पॉलिटिक्स अमंग नेशन स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस ये बुक हंस जेम और गेंथो ने लिखी है रियलिज्म के थिंकर है 1948 में पब्लिश होती है इसी बुक में वो अपने रियलिज्म की सारी थ्योरीज देते हैं और काफ़ी पॉपुलर करते हैं रियलिज्म के आइडिया को रियलिज्म का आइडिया बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर वन होता है उससे पहले पॉपुलर था और वर्ल्ड वार वन के बाद लिबरलिज्म पॉपुलर होता है और जैसे ही वर्ल्ड वार टू खत्म होता है और हंस जे मोरगैंथो अपनी बुक के साथ आते हैं पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस और रियलिज्म को दोबारा रिवाइव करते हैं इसलिए हंस जे मोर्गेंथो को कैटेगराइज किया जाता है कभी कभी नियो क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर में भी नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशन एंड नेशनलिज्म बुक का ऑथर कौन है अर्नस्ट गार्नर ऑप्शन बी मॉर्गेंथो ऑप्शन सी जे एस कोलमैन ऑप्शन डी रचनी कोठारी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्नस्ट गार्नर नेशन एंड नेशनलिज्म की जो बुक है अर्नस्ट गार्नर ने लिखी है वो ये कहते हैं कि नेशन और नेशनलिज्म एक ऐसी रियलिटीज़ हैं जो पॉलिटिक्स को काफ़ी स्ट्रोंगली इफेक्ट करती हैं और जिसकी वजह से इंडिविजुअल की डेली लाइफ में भी किसी तरह का इम्पैक्ट पड़ता है उन्हें भी इफ़ेक्ट करती है तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप अपने स्कोर को जरूर कमेंट करिए और बताइए कि आई आर थ्यूरीज़ को आपने अभी तक स्टडी किया है और नहीं किया है तो आप इसकी पी डाउनलोड कर सकते हैं जो क्विक रीज़न के लिए काम आएगी डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए थैंक यू